प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 गणित अध्याय 5 समांतर श्रेणी से। समांतर श्रेणी आप लोगों को 18 अंकों में से एक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 100% आने वाले सवाल हैं। 28 फरवरी 2025 में यही सवाल आने वाले हैं। बहुविकल्पी प्रश्न है। पहला, समांतर श्रेणी 3, 1, -1, -3 के लिए सर्वांतर होगा। सर्वांतर ज्ञात करना है। अनुक्रम √2, √2, √3, √2 का दसवां पद होगा, तो √2 में 200 होगा। और 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा, तो 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य 5 होगा। 0 और 100 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो 0 और 100 के बीच विषम संख्याओं का योग 2500 होगा। समांतर श्रेणी 4, 9, 14, 254 का अंत से दसवां पद होगा, तो ये होगा 209। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल हैं जो यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से भाज्य है, तो 128। इसके बाद से वर्णात्मक प्रश्न देखिए। समांतर श्रेणी 2/3, 1/2, -1/2, -2, 3/2 के लिए प्रथम पद 1 और सर्वांतर डी लिखिए। इसके बाद से है यक्ष के किस मान के लिए 2x, x+8, 3x+1 समांतर श्रेणी में होंगे, तो यक्ष का मान 5 है। 636 योगफल प्राप्त करने के लिए श्रेणी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए, तो 12 वो। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो, तो 6 से विभाज्य 4920 होगा। 10 और 250 के बीच में 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, तो 60। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, 178 होगा। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र को याद रखिएगा। व्यापक सूत्र समांतर श्रेणी का a, a+d, a+2d, a+3d होता है, ठीक है। nवां पद का सूत्र होता है an = a^(n-1)(d), l = a^(n-1)(d). श्रेणी में अंत से nवां पद an = l-n-1)(d). एन पदों का योगफल का सूत्र होता है SN = n/2 (2a)(n-1)(d). SN = n/2a)(l) भी होता है। प्रथम पद और अंतिम पद पता हो तो, और an = SN - SN-1 होता है, ठीक है। तो ये जो है 100% आने वाले क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर तैयार कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।